गाइस, तो आज की रेसिपी है चीज बॉल की। चीज बॉल सुनते ना मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि ये इतना चीजी चीजी होता है ना कि बहुत टेस्टी लगता है। और जो लोग चीज लवर है वो तो इसे ना कर ही नहीं सकते हैं। आप इस मेथड से चीज बॉल बनाकर देखिएगा, फटने का भी चांस नहीं रहता है और बहुत टेस्टी बनता है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिमो। तो हम पहले लेंगे यहाँ पे कटी हुई शिमला मिर्च, कटा हुआ प्याज, कटा हुआ टमाटर, अगर आप तीखा खाते तो कटी हुई हरी मिर्च। अब लिए हैं बॉईल किया हुआ मैश करके आलू, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, 2 चम्मच हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके एक डो रेडी करेंगे। तो ये देखिए डो हो गया रेडी। तो अब हम इसे साइड में रख के स्लरी रेडी कर लेते हैं। स्लरी बनाने के लिए हम यहाँ लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच मैदा। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका स्लरी रेडी करेंगे। स्लरी का थिकनेस ना ज़्यादा पतला रखिएगा ना ज़्यादा गाढ़ा रखिएगा, इस तरह का थिकनेस रखिएगा ताकि हम किसी भी चीज़ पे कोटिंग अच्छे से कर सकें। तो ये लीजिए स्लरी हो गया रेडी। मेरा स्लरी का थिकनेस आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का थिकनेस रखना था। लीजिए स्लरी हो गया रेडी। तो अब हम ब्रेड क्रम्बल्स बनाएंगे। ब्रेड क्रम्बल्स बनाने के लिए यहाँ पे 6 ब्रेड लिए हैं, जिसे हम रफली तोड़ लिया और मिक्सर में पीस लेंगे इसे। तो ये लीजिए ब्रेड क्रम्बल हो गया रेडी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब हम यहाँ जो आलू का डो रेडी किए थे उसमें से छोटा सा पोर्शन लेंगे और बॉल्स बनाएंगे। हाथों में ऑयल लगा के रखिएगा वरना ये आलू चिपकने लगता है हाथ में। अब हम डाल देंगे बीच में चीज़। आपके पास मोजरेला चीज़ हो या फिर क्यूब चीज़ हो, आप जो है आपके पास जो डाल सकते हैं। टेस्ट सबका सेम ही आता है और बहुत यम्मी लगता है। ये देखिए हम चीज़ डालकर कवर अप कर दिए हैं और इसे गोल वापस कर दिए हैं। तो अब हम इसे ब्रेड क्रम्बल में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्बल से कोट करने के बाद इसे हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि ब्रेड क्रम्बल निकले ना और अच्छे से सेट हो सके। अब हम इसे स्लरी से कोटिंग करेंगे। मैं यहाँ पे डबल लेयर का कोटिंग कर रही हूँ ताकि ये फटने का चांस नहीं रहता है। इसे स्लरी से जब कोटिंग हो जाए तो फिर उसके बाद फिर से हम ब्रेड क्रम्बल से कोटिंग करेंगे। डबल लेयर कोटिंग करना है और ब्रेड क्रम्बल से कोटिंग करने के बाद हाथों से इसे प्रेस कर दें ताकि क्रम्बल अच्छे से चिपक सके इसमें। तो ये लीजिए चीज़ बॉल तो रेडी है। तो अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो सके। तो ये लीजिए हम फ्रिज से बाहर निकाले, अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसे एक एक करके अच्छे से डालते जाएंगे। जब वन साइड ब्राउन हो जाए तो दूसरे साइड भी इसे पलट लीजिएगा। इसका फ्लेम हाई रखिएगा ताकि इसका कलर बहुत अच्छा आए और क्रिस्पी बन सके। हम बाकी सबको पलट लिए हैं और दूसरे साइड भी हम ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए दोनों साइड तो ब्राउन हो गया। तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए चीज बॉल हो गया है रेडी। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो टी टाइम में भी सर्व करें। चीज बॉल जितना टेस्टी देखने में लगता है ना उतना टेस्टी खाने में भी है। तो एक बार आप लोग भी जरूर बनाकर ट्राई करना और आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपकी चीज बॉल कैसी बनी थी। अगर आप इस तरह से चीज बॉल बनाते हैं तो आपकी चीज बॉल कभी नहीं फटेगी, जो हर लोगों की प्रॉब्लम होती है कि चीज बॉल फट जाती है। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।